हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। यहाँ पर आज हम लोग सबसे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक लेने वाले हैं और सबसे लेटेस्ट वाला टॉपिक लेने वाले हैं, टॉप 10 कॉमर्स कॉलेजेस इन कोलकाता। अब देखिए, आप लोग ये वीडियो तो पूरा यूट्यूब में आप लोग को मिल जाएगा, लेकिन मैं कब बना रहा हूँ, 2023 में। ऑफकोर्स ये लेटेस्ट वाला वीडियो है, तो आप लोग प्लीज लेटेस्ट वाला वीडियो देखिए, टॉप 10 कॉमर्स कॉलेजेस इन कोलकाता इन 2023, क्योंकि हर ईयर में ना कॉलेजेस का रैंकिंग थोड़ा सा बदल जाता है। और मैं यहाँ पे आपको लॉजिकल वे में दिखाऊंगा कि कौन सा कॉलेज सबसे बेहतर कॉलेज है, कैसे बेहतर कॉलेज है, किस एरिया से बेहतर कॉलेज है। तो ये सब सारा इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। और सबसे पहला तो ये कि मैंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी का, बहुत सारे कॉलेजेस का ऑलरेडी रिव्यू बना लिया है। अगर तुमने नहीं देखा है उसको तो अभी देख लो उसको, डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का और कमेंट सेक्शन में भी लिंक मिलेगा। अगर चैनल को तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दो इसको। और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टॉप 10 कॉमर्स कॉलेजेस इन कोलकाता। चलो सबसे पहले हम लोग 10 से शुरू करेंगे। ये 10 में आता है, 10 नंबर में आता है सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सर, इस कॉलेज को क्यों रखे हैं इधर? क्योंकि यहाँ पे बीकॉम के लिए या कॉमर्स के लिए ये बेहतर कॉलेज माना जाता है, क्योंकि इधर 950 सीट्स अवेलेबल है। इस कॉलेज में 950 सीट्स अवेलेबल है, बहुत सारे सीट्स अवेलेबल है। और यहाँ पे कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं, कट ऑफ 70-75% का ही जाता है, लेकिन ये कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं तो बिल्कुल ले लीजिए, क्योंकि बेहतर कॉलेज है और अच्छा कॉलेज है। ठीक है, चलिए इसका थोड़ा सा गूगल कर लेते हैं। देखिए, सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे इसका एड्रेस आप लोग प्लीज देख लीजिए, इसका 13 सूर्यसेन स्ट्रीट, लाल बाजार कॉलेज स्ट्रीट, कोलकाता वेस्ट बंगाल 712। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपका पड़ेगा लाल बाजार। फोटोज आप लोग देख सकते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, मैं कुछ नहीं कर सकता, प्लीज तुम लोग अच्छे से देखो ताकि तुम लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे सिटी कॉलेज के बारे में। ठीक है, सिटी कॉलेज क्या, टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में, ओके। और अगर ओल्ड वाले वीडियोस देख रहे हो तो ओल्ड वाले वीडियोस ना देख के ये लेटेस्ट वाला वीडियो देखो जरूर, इससे तुम्हारा फायदा होने वाला है। चलिए नेक्स्ट कॉलेज की ओर बढ़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट कॉलेज रखे हैं भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज। ये भी एक अच्छा कॉलेज है, ज्यादा अच्छा कॉलेज मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि यहाँ पे फीस चार्ज ज्यादा होता है, उस ढंग की पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन फिर भी एवरेज टाइप का कॉलेज है, लेकिन 9th रैंकिंग वाला कॉलेज तो है। ठीक है, इसलिए मैं 9th रैंकिंग में इसको रखा हूं, भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज। इसका भी कट ऑफ 70-75% तक आप लोगों का जा सकता है। 70-75% अगर तुम लाए हो तो इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तुम एलिजिबल हो, और मिल भी जाना चाहिए तुमको एडमिशन। ठीक है, यहाँ पे देखो ₹60,000 पर ईयर यहाँ पे तुम्हारा लगने वाला है, मींस 1,80,000 रुपए 3 साल का ले लेगा तुम्हारा, ओके। ये कॉलेज तो फीस थोड़ा सा हाई रहेगा, अपना अपना फैक्टर्स देख के ये कॉलेज में तुम एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो इस कॉलेज का भी एक बार देख लेते हैं गूगल में। देखिए, ये है भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज। कॉलेज देख के ही आप लोगों को लग रहा है कितना अच्छा कॉलेज है, वाओ। तो ये प्लेग्राउंड आप लोग देख सकते हैं, कॉलेज को बहुत ही अच्छा कॉलेज माना जाता है, लेकिन हाँ फीस थोड़ा सा हाई है इस कॉलेज का। ठीक है, तो ये सब सारे फैक्टर्स आप लोगों को देखने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्कॉटिश चर्च कॉलेज का। स्कॉटिश चर्च कॉलेज का भी ना सीट बहुत ज्यादा कम है, सीट एटलीस्ट इस कॉलेज का सीट आपको 50 मिलेंगे, सिर्फ 50 सीट मिलेंगे। इसीलिए ये कॉलेज थोड़ा सा बहुत ही अच्छा कॉलेज है। कट ऑफ इसका मेनली यहाँ पे 88-90% तक कट ऑफ जाता है, लेकिन सीट्स बहुत ज्यादा लिमिटेड है। ठीक है, 88-90% यहाँ पे कट ऑफ जाता है, और फीस भी यहाँ पे आपका हाई देखने को मिलेगा, इस कॉलेज में फीस हाई देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्कॉटिश चर्च कॉलेज को गूगल में। यहाँ पे देखिए फीस स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम लोग देखें डायरेक्टली, तो फीस स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को, सेमेस्टर में आप लोगों को कम से कम 51,000 लगेगा, ओके 51,000 लगेगा पर ईयर आपका 51,000 लगने वाला है। कितना लगने वाला है स्कॉटिश चर्च कॉलेज में आप लोग बताइए मेरे को, 51,000 सर, बहुत हाई फीस है, ओके।
तो देख सकते हैं आप लोग स्कॉटिश चर्च कॉलेज को, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉलेज में जाने से पहले हम लोग इसका पहले एक फोटोज तो देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक बार आप फोटोज देख लीजिए अपना स्कॉटिश चर्च कॉलेज का। ये वीडियोस को एंड तक जो भी नहीं देखेगा, ऑफ कोर्स वो आधा अधूरा इंफॉर्मेशन लेके जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो बहुत गलती कर रहे हो, बिकॉज बीकॉम रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसको मैं पढ़ाने वाला हूँ, उसका लेक्चर्स आता है, उसका रिविजन आता है, उसका मैराथन आता है, इसी चैनल पर आता है, ठीक है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो तुम्हारे बेनिफिट के लिए। यह है पूरा का पूरा स्कॉटिश चर्च कॉलेज, आप लोग समझ गए स्कॉटिश चर्च कॉलेज। एड्रेस एक बार आप लोग देख लीजिए, एड्रेस इसका मानिक तल्ला आजाद हिंद बाग कोलकाता वेस्ट बंगाल 706, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग शिवनाथ शास्त्री कॉलेज। शिवनाथ शास्त्री कॉलेज भी एक बहुत ही बेहतर कॉलेज है, जिसको मैंने ऑलरेडी रिव्यू बना दिया है। किस पे? मेरे चैनल पर ही रिव्यू है शिवनाथ शास्त्री कॉलेज का, ठीक है। इसका कट ऑफ आप लोग देख लीजिए, 80-85% आप लोगों को यहाँ पे लाना पड़ेगा शिवनाथ शास्त्री कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, कम से कम 80-85। नॉर्मली आप लोग 85 ही समझ के रखिए। यहाँ पे बीकॉम के लिए बेहतरीन गर्ल्स कॉलेज माना जाता है, ये एक गर्ल्स मॉर्निंग वाला कॉलेज है। इसका मॉर्निंग टाइमिंग 6:15 से लेकर 11:15 तक है, तो ये कॉलेज भी आपके लिए बेहतरीन साबित हो जाता है अगर आप गर्ल्स हो, ठीक है। चलिए इसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी दे दिया, फिर भी आप लोगों को गूगल में दिखा देता हूँ कि ये कॉलेज कहाँ है। ये कॉलेज आपका पड़ेगा गोरियाहाट रोड ढाकुरिया कोलकाता जोधपुर पार्क कोलकाता वेस्ट बंगाल 7 लाख 29। शिवनाथ शास्त्री का एक बार फोटो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से, ये है शिवनाथ शास्त्री। ये कॉलेज भी बहुत बेहतरीन माना जाता है और इसका फीस आपका रहने वाला है 11,000। फीस इसका रहने वाला है 11,000 पर ईयर, 11,000 पर ईयर रहने वाला है इसका फीस। तो शिवनाथ शास्त्री कॉलेज के बारे में भी आई होप आप लोग ने बहुत अच्छे से जान लिया हो। नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर पे कौन सा कॉलेज आता है, श्री शिक्षायतन कॉलेज। 6 नंबर पे आता है श्री शिक्षायतन कॉलेज, जिसका कट ऑफ 80-85% ही रहता है। आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन फीस इसका भी थोड़ा सा हाई रहता है। फीस नॉर्मली 50K पर ईयर रहता है इसका फीस। श्री शिक्षायतन कॉलेज भी एक गर्ल्स कॉलेज है, ये भी एक गर्ल्स कॉलेज है, आप लोगों को पता है ऑफ कोर्स। तो श्री शिक्षायतन कॉलेज के बारे में जानते हैं। श्री शिक्षायतन कॉलेज इज एन अंडर ग्रेजुएट वुमेन्स लिबरल आर्ट्स कॉलेज इन कोलकाता, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसका एड्रेस देख सकते हैं इसका। चलिए देखिए एड्रेस इसका दिया हुआ है यहाँ पे, कॉलेज 11 लॉर्ड सिन्हा रोड कोलकाता वेस्ट बंगाल 7 लाख 71। तो ये ऑफ कोर्स श्री शिक्षायतन कॉलेज भी आपके लिए बहुत बेहतर इंफॉर्मेशन हो सकता है। जो कोई भी इधर तक वीडियो का आ चुका है वो लोग सब्सक्राइब कर दो सबसे पहले। और तुम लोगों को मैं थोड़ा सा तुम लोगों के लिए एक क्लैप बजाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम लोग ऑफ कोर्स बहुत ही पढ़ाकू बच्चे निकलोगे और बीकॉम में बहुत ही कॉमर्स में बहुत ही ज्यादा नाम करोगे, क्योंकि ऑफ कोर्स जो लोग को इतना पेशेंस है कि वो लोग यहाँ तक आके वीडियो देख ले, वो लोग ऑफ कोर्स बहुत ऊंचे ऊंचे काम करेंगे, बहुत बड़े बड़े काम करेंगे। चले अब हम लोग देखते हैं 5 में हेरम्बा चंद्र कॉलेज। हेरम्बा चंद्र कॉलेज का यहाँ पे देखते हैं, हेरम्बा चंद्र कॉलेज का कट ऑफ कितना रहता है, 85-90% तक हेरम्बा चंद्र कॉलेज का यहाँ पे कट ऑफ रहता है। ये मेनली यहाँ पे कोएड कॉलेज है और यहाँ पे डे शिफ्ट चलता है। हेरम्बा चंद्र कॉलेज एक डे शिफ्ट कॉलेज है, इसका मैंने वीडियो बना दिया है ऑलरेडी यूट्यूब पे है हेरम्बा चंद्र कॉलेज का पूरा रिव्यू, उसको जरूर से जरूर देखना। हेरम्बा चंद्र कॉलेज का रिव्यू ऑलरेडी मैंने कर चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉलेज के बारे में आप बात करते हैं। नेक्स्ट कॉलेज है जयपुरिया कॉलेज, इसका भी मैंने रिव्यू ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल दिया हुआ है, तो रिव्यू जरूर देख लेना। जयपुरिया कॉलेज का कट ऑफ इसका 85-90%, उसके भी बियॉन्ड कभी कभी जाता है, तो 90% तो पकड़ के रखो कट ऑफ इसका, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग फोर नंबर पे क्या आता है, जयपुरिया कॉलेज। जयपुरिया कॉलेज भी बहुत बेहतरीन कॉलेज है, जिसका कट ऑफ 85-90% तक रहता है नॉर्मली, लेकिन 90% के बियॉन्ड भी जा सकता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब
थर्ड नंबर पे आता है जेडी बिरला इंस्टीट्यूट। जेडी बिरला इंस्टीट्यूट का कट ऑफ है 75 से 80% जेडी बिरला इंस्टीट्यूट का कट ऑफ है। आप लोग देख सकते हैं कहाँ है जेडी बिरला इंस्टीट्यूट, 11 लोअर राउडन स्ट्रीट बालीगंज स्कूल का था, वेस्ट बंगाल 720। यहाँ पे फोन नंबर भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है। जेडी बिरला भी बहुत बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे 80 से 85% आप लोग को चाहिए, 75 से 80% आप लोग को चाहिए जेडी बिरला इंस्टीट्यूट में आप लोग को एडमिशन लेने के लिए। सॉरी मैंने यहाँ पे कम लिख दिया है, यहाँ पे 80 से 85% चाहिए, ठीक है, गलती से लिख दिया मैंने। आप लोगों को जेडी बिरला इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए 80 से 85% चाहिए। नेक्स्ट कॉलेज का बात करते हैं हम लोग, गोयनका कॉलेज। आप लोगों को पता है सबसे बड़ा बीकॉम कॉलेज माना जाता है यहाँ पे गोयनका कॉलेज। गोयनका कॉलेज में यहाँ पे कट ऑफ आपका 94 से 96% का कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिलता है हमेशा, मतलब कि 94% आप लोगों को 94 से 96% आप लोगों को यहाँ पे कट ऑफ मिलता है। कौन सा कट ऑफ? फर्स्ट राउंड वाला कट ऑफ। मैं लास्ट राउंड वाला कट ऑफ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट राउंड वाला कट ऑफ में आप लोगों को कम से कम यहाँ पे 94 से 96% आप लोगों को यहाँ पे स्कोर करना पड़ेगा, फिर ही आप लोग गोयनका कॉलेज में जा सकते हैं। ये एक मॉर्निंग और डे कॉलेज है, ये दो शिफ्ट में चलते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट में चलते हैं एक और डे शिफ्ट में चलते हैं। इसका भी मैंने रिव्यू ऑलरेडी डाल दिया है यूट्यूब में, अगर आपने रिव्यूज नहीं देखा है किसी भी कॉलेज का प्लीज उसको जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है और उसको आप रिव्यू देख लीजिए सारा का सारा कॉलेजेस का, जितना भी कॉलेजेस का मैंने बनाया है। अच्छा एड्रेस एक बार देख लीजिए, गोयनका कॉलेज का 210 विपिन बिहारी गांगुली स्ट्रीट कॉलेज स्क्वायर कोलकाता वेस्ट बंगाल 712, ठीक है। तो इसमें सिर्फ बीकॉम ऑनर्स का पढ़ाई होता है और एमकॉम का पढ़ाई होता है, लेकिन ये बेहतरीन कॉलेज माना जाता है, ठीक है। चलिए अब सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज का बात करते हैं जो कि है सेंट जेवियर्स कॉलेज। सेंट जेवियर्स कॉलेज सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज है, लेकिन इसका बस एक ही क्राइटेरिया है, जो आपका मैथ्स सब्जेक्ट कंपलसरी रहना चाहिए। अगर आप लोग सेंट जेवियर्स कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका मैथ्स कंपलसरी रहना चाहिए, मैथ्स सब्जेक्ट आपका कंपलसरी हमेशा रहना चाहिए। कट ऑफ इसका रहता है 90 से 95% तक का कट ऑफ रहता है सेंट जेवियर्स कॉलेज में, और ये भी बहुत बेहतरीन कॉलेज माना जाता है। इसमें आप लोगों को प्लेसमेंट के जो चांसेस रहेंगे वो हाई रहेंगे, तो सेंट जेवियर्स कॉलेज आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकता है। अगर आप एडमिशन ले सकते हैं तो आप लोग बिल्कुल सेंट जेवियर्स कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, और लेकिन इसका फीस भी बहुत ज्यादा ही हाई रहता है। यहाँ पे फीस एटलीस्ट आपका 2,35,000 फॉर 3 इयर्स आपका पड़ जाएगा, ठीक है, इतना आपका फीस रहेगा अप्रोक्स। तो हमने यहाँ पे इस वीडियो में 10 कॉलेज टॉप 10 कॉमर्स कॉलेज का पूरा रिव्यू कर लिया है और पूरा का पूरा हम लोग देख लिए हैं उसको। अगर और ज्यादातर कॉलेज का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, और जो भी जिसका भी नहीं बना हुआ है हम बना देंगे ऑलरेडी, आप लोग प्लीज इसको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो भी धमाकेदार होने वाली है, इसीलिए आप लोग इंतजार कीजिए। थैंक यू।